2 साल और 6 महीने मुझे लगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। जो कंटेंट क्रिएटर अपना काम शुरू करता है ना, तो उसके जहन में एक दो बातें होती हैं, जैसे कि वो ये चाहता है कि यार मेरे कुछ फॉलोअर्स या कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हो जाए जो कि उसके काम की कदर करें, उसके काम की रिस्पेक्ट करें और उसके काम को लाइक अप्रिशिएट करें। और सेकंड उसकी जो मेन होती है ना कि वो कुछ उससे अर्न कर सके, क्योंकि वो इतना साल लगा के ये सब सीखता है और ये सब करता है, तो ये चक्कर होता है। यार मेरी मोनेटाइजेशन जैसे ऑन हुई है तो आपके भाई को इतनी कोई खुशी हुई है, तो मैंने सोचा यार इस छोटी सी खुशी की छोटी सी एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, तो फिर आपके भाई ने सोचा कि केक लेके आते हैं और केक खिला के सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने बोला दिल भाई हमने केक लेके आना है और उसके ऊपर मोनेटाइजेशन वगैरह लिखवा के और हमने करना है सेलिब्रेट। तो दिल भाई ने बोला कि हमारे हैं केक लाने के 2 ऑप्शन, या मियां चलने जाएंगे या मोहसिन बाल जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया मियाँ चन्नू चलते हैं, वहाँ मियाँ चन्नू भी देख लेंगे और केक भी लेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ होगी कि आपके भाई ने सोचा कि 31 से 2 का खेलते हैं। मेरी कज़न की थी बर्थडे, ठीक है, तो कज़न की बर्थडे थी वारिस भाई की छोटी, में उनकी बर्थडे थी, तो हमने बोला कि केक ला के उसके ऊपर मेरा मोनेटाइजेशन भी लिख लेंगे और बर्थडे भी लिख लेंगे। तो ये सीन हुआ। तो थैंक यू उन सबका जिन्होंने मेरा आज तक सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सबसे पहले मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो दूसरे मेरे कजन्स और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, साथ चढ़ गया। और स्पेशली जो मैं बोलना चाहूँगा मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स जिसमें शोआ, ईमान और शहबाज और अपना ओमी भाई, इनका मैं स्पेशल नेम लेना चाहूँगा। तो थैंक यू सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी होगी बहुत लंबी, तो केक लेने चलते हैं, साँस चढ़ रहा बोल बोल के और हाथ भी थक गया, तो चलो। हम लोग करीब करीब जाने लगे थे, तो अदील भाई की स्मार्ट वॉच का चार्जर लेना था, इसलिए दुकान जाए हैं मियाँ चन्नू पे। तो यहाँ से पहले स्मार्ट वॉच का चार्जर लेंगे, उसके बाद केक भी खाएंगे और घर जाएंगे, क्योंकि हमने घर भी जाना है, क्योंकि हमें बुलावा मिला हमारे बुजुर्गों से, एक ऑर्डर हुआ है सॉरी, कि घर से खाना खाना है, बाहर से नहीं खा के आना वरना मार पड़ेगा, नहीं खाएगा, ये चक्कर है। बहुत मुश्किलों के बाद ये इतनी सी चीज़ थी, ये चार्जर बहुत ख्वार होने के बाद ये चार्जर मिल गया। अब हम लोग का अगला जो डेस्टिनेशन है वो है बेकरी, और वहाँ से केक उठाना है और फिर निकलना है घर वापस। फिर हम दूसरी बेकरी, इस बेकरी पे आए हैं तो ये वाला केक पसंद है, ये चॉकलेट वाला, अभी ये लेने लगे 2 पाउंड का। ये भाई रहील हमारे केक के ऊपर लिख रहे हैं कुछ, खुद ही लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। ये हमने काशान स्वीट से लिया है, ठीक है, ये भाई लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने डिस्काउंट भी दिया मेरे को 80 रुपए का। तो आप भी यहाँ से जब भी चन्नू आओ तो जरूर खरीदना केक। तो यार अभी जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं और अदील भाई गए हुए थे, तो वो लेके आए हैं और हमने पहले जो इसके साथ साथ हम एक बर्थडे भी थी छोटी सी वो भी की है, और ये केक जो है केक पूरा जो है अब वो अपना वारिस भाई की तरफ से था, तो उन्होंने इस खुशी में मोनेटाइजेशन की जो है ना, ये शादी हमने सेलिब्रेशन की है, ठीक है। तो अभी हम लोग काटेंगे केक और इस छोटी सी खुशी में जो इस छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, तो केक काटते हैं वारिस भाई और अदनान भाई इसके साथ मेरा। हाँ बहुत है, अगले तरफ से गिरे पड़े कितने। तो ये पहला सबसे पहला केक वारिस भाई को खिलाएंगे हम पहले, क्योंकि वारिस भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत किया मेरे साथ, और दूसरे ये मेरे सब्सक्राइबर भी और ये भी यूट्यूबर है, तो दूसरा इनके लिए और वारिस भाई के लिए अभी मैं रहील भाई को खिलाऊंगा। हमने दोनों ने क्लोजअप ले के आओ, क्लोजअप क्लोज लाओ, क्लोज क्लोज सब्सक्राइबर के लिए।
अभी ये हमारे सब्सक्राइबर भी आस पास बैठे हुए, इनको भी खिलाना है। ये खत्म ना कर, नाम भी खत्म ना कर दे इससे पहले। मैं रहील भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो स्पेशल बहुत इनको बुलाया इधर मैंने, तो मैंने कहा हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये खा रहे पड़ेगा, बड़ी मेहरबानी। मेरी तरफ से ना रहील भाई को बहुत 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 मुबारक हो, इसका मोनेटाइज ऑन हुआ है। यार जो भी बात ठीक है, जो भी अच्छी से बोला है, इस चीज के लिए लाइक देना, मोनेटाइज बोलना बहुत बहुत ना, जो भी बोला ठीक बोला। अब केक खाई है, केक खाई है, भाई को खिला रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, साल की रात का दिन आया है। सबसे बड़े कुछ पाया यार, इसमें कुछ है, जो भी ये खाता है ना या खिलाता है उसे कुछ होता ही है, तो लोट पोट हो जाता है ये। तो ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन थी, छोटी सी खुशी थी। मेरा कज़न एक छोटा सा है, वो जो साथ अभी अभी इसने केक खिलाया, बोल रहा था मोनो के पीछे कौन केक काटता है। तो कभी कभी छोटी छोटी खुशियां मना लेनी चाहिए और शुक्र कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा एक शुक्र था और एक छोटी सेलिब्रेशन थी। मैं अपने घर पर नहीं था, मगर ये भी मेरा घर ही है, ठीक है, मामूलों के घर पर था। तो ये भी अपने ही बहन भाई हैं, मामी है, वो पुप्पो भी है, मामू भी है, तो इन सब के साथ मैंने सेलिब्रेट कर लिया था कजन्स के साथ। तो अदील भाई मेरे साथ गए हुए थे, तो अदील भाई मेरे साथ गए थे, इन्होंने काफ़ी खुवारी भी की कि केक मिल नहीं रहा था, मिल रहा था केक, मगर जो हमें चाहिए था वो वाला नहीं मिल रहा था, चॉकलेट वाला। तो ये सीन है। तो बाकी वारिस भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, वारिस भाई आखिरी अल्फाज वारिस भाई के और ब्लॉग एंड। आपको मैं एक बहुत फनी चीज़ बताता हूँ, ये मोनेटाइजेशन सेलिब्रेशन मैंने लिखा था और ये भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत गंदा लिखा है। क्या बोल रहे थे आप भाई ने ये लिखा कैसे, ये जूम करके दिखाओ, ये लेडियां बनाई यार, मेरे को लिखना नहीं आता था, क्या करूं। ये देखो यार, मेरे को इतना महंगा स्कूल है, तेरे पढ़ाऊंगा यार, ये कर भाई तेरी लेडी कर क्या। अच्छा आप बोलो, एक मिनट रुकिए, ये रहील भाई की बहुत ही अच्छी बात है कि ये पंजाब में आके इसकी जो भी मोनेटाइजेशन, या आपको पता है कि मुझे बोलना नहीं इतना आता, तो मैं वो ऑन हुई है, तो इस खुशी में हम केक खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, अभी बहुत एंजॉय किया हमने आज, वारिस भाई ने बहुत खर्चा कर लिया चाची। तो बस यही मैं कहना चाहूंगा कि रोबिन भाई को खुदा और भी तरक्की दे, और भी केक दे, और हमें ऐसे केक खिलाता रहे, और हम मिल बैठ के खुशियां एंजॉय करते रहे। शुक्रिया, अल्लाह मुबारकबाद कह दो, जो मुबारकबाद कह चल, हाँ ठीक है, यार की जमदे।